बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं एक और बार बहुत खुशी के साथ आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। अगर आप में कोई नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर ले, ताकि जब हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, अमीर बनने के लिए, घर में बरकत पाने के लिए, बहुत सारे आशीष पाने के लिए बाइबल हमें एक तरीका बताती है। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? हर आशीष को, बहुत आशीष को आप पाना चाहते हैं? घर में, धन संपत्ति में बरकत पाना चाहते हैं? आपके जॉब में, बिजनेस में आप बरकत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं? तो एक काम करना है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे इस मुट्ठी में 50 रुपया है। मैं इस पैसा, परमेश्वर चाहता है कि मैं इस पैसा को इस्तेमाल करूँ कलीसिया के लिए, पास्टर को देने में, कलीसिया को सेवा में, और जिनको ज़रूरत है उनको देने में। जब हम इस पैसा को अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमें और देगा। यही बाइबल का कहना है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम, जो प्रभु हमें दिया है उसको हम जब देंगे दूसरों को, जब हम हेल्प करेंगे, जिनको ज़रूरत है उनको अगर आप हेल्प करेंगे, आप कलीसिया जाते हैं, कलीसिया के लिए आप देंगे, आप पास्टर को, आपके पास्टर को आप हेल्प करेंगे, देंगे, और जो ज़रूरत लोग हैं, जिनको ज़रूरत है उनको आप देंगे। जब आप मदद करते हैं ना, जब आप उनको हेल्प करते हैं, तो प्रभु बदले में आपको और भी देगा, क्योंकि बाइबल का यही कहना है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम हेल्प करेंगे तो प्रभु भी हमें बदले में 100 गुना देगा। ये 50 रुपया है मेरे हाथ में। अगर मैं इसको देखिए, इसमें, इस मुट्ठी में प्रभु 100 रुपया डालना चाहता है। अभी इसमें कितना है? 50 रुपया है। प्रभु 100 रुपया डालना चाहता है, और प्रभु इंतज़ार कर रहा है जब मेरा बेटा इसको खोलेगा तब मैं इसके अंदर डालूंगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उस 50 रुपया जो है उसको हम पकड़े रहते हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, उसको मजबूती से पकड़े रहेंगे। तो प्रभु कह रहा है, बेटा मेरे पास तो आशीष है, तुझे देना चाहता हूँ, लेकिन खोल, अपनी मुट्ठी खोल, मैं डालूंगा। लेकिन हम खोलने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्रियो, इसीलिए हम खोले, हेल्प करें, जो प्रभु और ज़्यादा भर भर के हमें देगा, हमारा मुट्ठी भरता रहेगा, हम हेल्प करते रहेंगे, प्रभु और देता रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमको देना चाहता है, और प्रभु हमें कह रहा है, पहले तुम जो तुम्हारे पास है उनको दो, हेल्प करो, तब मैं तुम्हें और दूंगा। एक विधवा के बारे में आप जानते होंगे, एलिया के समय में प्रभु उस विधवा के पास भेजता है कि अकाल के समय में ये विधवा तुझे खाना खिलाएगी। तो एलिया वहाँ जाता है तो उस माँ के पास तो उतना खाना नहीं है, एक ही टाइम का खाना है, वो लकड़ी बिनती रहती है, खाना रोटी पका के खाएगी, उसके बाद खाना नहीं है। ऐसा परिस्थिति था तो एलिया उसके पास गया और कहा कि एक लोटा पानी लेके आओ माँ मेरे लिए, और साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आओ। उस माँ ने कहा, मेरे पास इतना खाना नहीं है। तो एलिया ने कहा, चिंता मत करो, एक रोटी का टुकड़ा लेके आओ, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, तेरे पास जो है, मतलब उस माँ के पास थोड़ा कुपी में थोड़ा आटा और थोड़ा तेल था, और एलिया के द्वारा प्रभु ने कहता है कि जो तेरे पास है, जो आटा और जो तेल है, अकाल खत्म होने तक खत्म नहीं होगा। वो तू रोटी खाती रहेगी, तू खाना, भोजन खाती रहेगी, अकाल खत्म होने तक तू खाना खाएगी। जो तेरे पास, वो जो आटा है और जो तेल है, वो अकाल खत्म होने तक रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप अकाल खत्म होने तक उसको खाते रहना। प्रभु उस माँ को इतना आशीष दिया, जो उसके पास जो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था वो अकाल ख़त्म होने तक वो खाती रही, मतलब रोटी बना के खाना खाती रही, इतना प्रभु उसको आशीष किया। पहले असल में उसके पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन प्रभु उसको बरकत दिया। क्यों, कब? जब उसने प्रभु के दास को, उन्होंने जो था उसी में से थोड़ा ला के दिया, तो प्रभु उसको और भी बहुत ऐसे आशीष किया, जो उसके पास था उसी में बरकत दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप देते हैं तो प्रभु आपको बदले में बहुत सारा देता है। अजमा के देखिए, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा, बरकत पाओगे, आप और भी आगे बढ़ते जाओगे।
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।